क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पीरियड्स की डेट जल्दी आ जाए, लेकिन आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं और आपके साथ ये हो किसी भी वजह से सकता है, लेकिन डेट आने से पहले ही पेट में होने वाला दर्द सहना मुश्किल हो जाता है। ना सिर्फ पेट में दर्द होता है बल्कि पेट के निचले हिस्से में भी दर्द होता है। लेकिन वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि पीरियड आ जाते हैं लेकिन ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता, जिसकी वजह से पेट का दर्द और बढ़ जाता है। वैसे सभी के शरीर की संरचना अलग होती है, ऐसे में कई बार महिलाएं अपने पीरियड को लेकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि समय निकल जाने पर भी उनका पीरियड नहीं आता है। ऐसे में परेशान होने की बजाय या बाहरी कोई दवा लेने की बजाय आप कुछ घरेलू नुस्खे आजमा कर भी अपने पीरियड को आसानी से ला सकती है, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव आपका स्वागत करती हूँ अपनी इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पीरियड लाने के लिए दवा लेने से कई बार आपके शरीर को बुरा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये दवाई खाने से आपको पीरियड तो आ जाते हैं लेकिन अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, जैसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, दर्द होना। ऐसे में कुछ परेशानियों को झेलने की बजाय आप अपने किचन में ही मौजूद कुछ चीजों का अगर सही तरीके से सेवन कर लेंगी तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। इसलिए मैं आज आपको वो तरीके बताने जा रही हूँ जिनसे आपके पीरियड की डेट जल्दी आ जाएगी। तो सबसे पहले, महिलाओं के रुके हुए पीरियड को लाने में खड़ा धनिया बहुत हद तक काम आ सकता है। इसके लिए आप एक चम्मच खड़े धनिये को 2 कप पानी में बॉईल कर लें। जब पानी 1 कप रह जाए तो गैस को बंद कर दें और उसे अच्छे से छान लें। इस पानी का दिन में 3 बार सेवन करें। अगर बराबर नियम से आप इसका सेवन करती रहेंगी तो ये आपके पीरियड को लाने में बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि काफी पुराने समय से महिलाएं अपने पीरियड को रेगुलर रूप से लाने के लिए इस नुस्खे का प्रयोग करती आ रही हैं। इसके अलावा दालचीनी तो सभी के किचन में आराम से मिल जाती है, क्योंकि इसका उपयोग दालों और सब्जियों के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन लंबे समय से यदि आपके जो पीरियड साइकिल है वो नहीं आ रहे हैं तो दालचीनी का सेवन करें। ये आपके शरीर में आसानी से गर्मी पैदा करेगा और इसे लेने के लिए 1 ग्लास गर्म दूध करें, उसमें इसका पाउडर मिला लें। ये उपाय आपके लिए बहुत ही सहायक साबित होगा और जल्द ही आपका पीरियड भी आ जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो पीरियड ना आने पर आप अदरक का सेवन भी स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि अदरक इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक करता है और पीरियड्स को टाइम पर लाता है। इसके लिए आप 1 कप पानी में 1 चम्मच अदरक को डालकर थोड़ी देर के लिए अच्छी तरीके से बॉईल कर लें और इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाएं और दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा इसको आप खा लें। अगर आपको इसको लेने से कोई प्रॉब्लम है तो आप गुड़ के साथ सुबह अदरक खाना भी स्टार्ट कर सकती हैं। इससे भी आपका जो पीरियड है वो तुरंत आ जाएगा। इसके अलावा विटामिन सी भी हमारे शरीर की अलग अलग प्रकार की चीजों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्जाम्पल के लिए, ये अलग अलग संदेशों को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और इसके साथ ही एनर्जी के सर्कुलेशन में भी इसकी अहम भूमिका होती है। यही नहीं, ये पीरियड्स भी जल्दी लाने में आपकी हेल्प करता है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये नींबू, टमाटर, संतरा, ब्रोकली, कीवी, फलों, इन सभी में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसके साथ ही वैसे तो तनाव से दूर रहना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। तनाव से दूर रहना हमें कई सारी बीमारियों से भी बचाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तनाव में रहने से हमारा शरीर हार्मोन्स रिलीज करने में देरी करता है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस फ्री रहती हैं तो शरीर में हार्मोन समय पर रिलीज हो पाते हैं, जिससे कि पीरियड्स आने में बेकार की कोई भी देरी नहीं होती है और आपको टाइम टू टाइम पीरियड्स आते हैं। तो आप मेरी सलाह मानकर ये सारे उपाय जरूर अपनाएं, आपके पीरियड्स जल्दी ही आ जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें। हमारे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे जरूर पूछें। हम वीडियो लाइव होने के 1 घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।